गाइस कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस अभी दिवाली आने वाली है 14th या 15th नवंबर को दिवाली आने वाली है। सो दिवाली के अंदर जो है अभी ड्यू टू COVID-19 डेफिनेटली हम लोग फिजिकली जा जाकर तो मिल नहीं पाएंगे अपने सभी फ्रेंड सर्कल में और अपने लव्ड वंस के। लेकिन एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है विश करना, राइट। सो डिजिटल का जमाना है, डिजिटली अगर हम विश नहीं करते हैं तो डिजिटल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यार फिर हमने कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से हम पीछे हट जाते हैं और हमें टेक्नोलॉजी से पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। और इसके साथ में जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं या फिर जो इवेंट ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि आप इस स्क्रिप्ट के जरिए अपने लव्ड वंस को जो डेफिनेटली एक विश तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में जो है आप एक अच्छी खासी इनकम भी जनरेट करना चाहते हैं एफिलिएट के जरिए, वो भी आप कर सकते हैं। आप ऐड लगाना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन एफिलिएट लिंक को तो डेफिनेटली हम इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उनका बहुत अच्छे से हम इस्तेमाल करके जो है इसके अंदर इनकम भी जनरेट की जा सकती है। अब ये स्क्रिप्ट जो है कैसे काम करेगी, ये स्पेशली जो है आप वर्डप्रेस पे चाहते हैं तो वर्डप्रेस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी वर्डप्रेस की यानी कि खुद की होस्टिंग नहीं है तो आप इसको जो है ब्लॉगिंग के यानी कि ब्लॉग स्पॉट जो है उसके अंदर भी जाकर ब्लॉगर के ऊपर जाकर भी इसको अपडेट करके अपना जो है इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि ये सारी चीजें जो है कैसे होती हैं। सो गाइस मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो गाइस यहां पे यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये जो है विशिंग स्क्रिप्ट है आपकी दिवाली की। तो अगर आप जो है इसको इसकी खासियत ये है कि अगर आप इसको मोबाइल के जरिए इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर कर सकते हो और अगर आप जो है इसको अपने फेसबुक सोशल मीडिया द्वारा जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं शेयर करना चाहते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों के ऊपर ही आपकी जो है बहुत ही आसानी से जो है अपडेट की जा सकती है, एक दूसरे को विशेष जो है वो सेंड की जा सकती है। अब इसको जो है कस्टमाइज कैसे करना है तो कस्टमाइजेशन पूरा प्योरली आप लोगों के ऊपर है, आप जैसा कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो चाहे इसके बैकग्राउंड की इमेजेस की बात हो, यहां पे जो लिखे हुए टेक्स्ट की बात हो, तो सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ये इमेजेस वगैरह सभी चीजें आप जो है चेंजेस कर सकते हो। अब यहां पे चलते हैं सीधा का, पहले तो मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाऊं कि आपको जो है स्क्रिप्ट दिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्क्रिप्ट है आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उस लिंक पे आपको जस्ट क्लिक करना है और आप जो है मेरी ऑफिशियल वेबसाइट निरंकारी इन्फोटेक blog.nirankariinfotech.com पे चले जाएंगे। वहां पर जाकर आपको जो है एक डाउनलोड का बटन मिलेगा, बस आप वहां से आपको ये एक डाउनलोड करना है और डाउनलोड के लिए जो है आपको एक ऐसी जिप फाइल मिलेगी, ये हैप्पी दिवाली जो है इस तरह की एक जिप फाइल मिलेगी, वो जिप फाइल को डाउनलोड करना है और उसको जो है आपने अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के बाद आपके पास जो है या तो आप नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक भी जो है उसी मेरे जहां से आप ये स्क्रिप्ट डाउनलोड करोगे वहां पे अवेलेबल है, या फिर अगर आप यहां पे सबलाइम टेक्स्ट जो कि अगेन एक फ्री टूल है कस्टमाइजेशन करने के लिए तो उसका भी इस्तेमाल करना चाहते हो, वो भी डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक भी वहां पर दिया गया है। अब आपको जो है इस ये जो पेज है HTML वाला, राइट, इस तरह का जो HTML वाला पेज है उसको आपको राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है आपके सबलाइम टेक्स्ट के जरिए, राइट, इस तरह से ओपन कर लेना। सबसे पहले आप अपना ट्रैफिक एनालाइज करना चाहते हो, ट्रैफिक को ट्रैक करना चाहते हो, सबसे पहले यहां पे आपको दिखेगा गूगल एनालिटिकल कोड, तो आप गूगल के एनालिटिकल कोड्स को यहां पे इंसर्ट कर सकते हो ताकि आप ट्रैक कर सको कि आपकी स्क्रिप्ट के ऊपर कितना ट्रैफिक कहां कहां से आ रहा है। उसके ऊपर उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखते हैं हैप्पी दिवाली, तो अभी यहाँ पे जो है ये हम इसको अपडेट कर देते हैं 2020 के अंदर, तो यहाँ पर जितनी जगह पे आपका 2020 है लेकिन आप जो डाउनलोड करेंगे आपको यहाँ पे चेंजेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपडेट करके दूंगा 2020 के अंदर ही, राइट, इसको मैं जो है 18 को हटा के इसको जो है 2020 पे, क्योंकि 2018 में कुछ डिफरेंट तरीके से होता था लेकिन अब जो है ब्लॉगस्पॉट के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं तो कई सारी चीजें जो है आपकी चेंजेस हो गई हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं अगर आप जो कॉन्टेंट आपका जाएगा जो सोशल मीडिया पे जाएगा तो वहां पे आपके कुछ ये चीजें लिखी होंगी, आपको अगर वो चीजें नहीं चाहिए, ये दीप जलते रहें मन में मन से मिलते रहें ये सब चीजें चेंज करनी है तो आप यहां से चेंजेस कर सकते हो। तो ये आप दो जगह पे आपको अपडेट करना है यहाँ पे,
तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लिखना है यहाँ पे टेक्स्ट वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और इसके बाद जो है नीचे स्क्रोल करना है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करनी, ये CSS है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको सीधे आपको नीचे आ जाना है। फिर यहाँ पे जो है और नीचे यहाँ पे जब आपका CSS खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रोल डाउन करके आना है यहाँ पे, तो ये आपका बैकग्राउंड की ये जो बैकग्राउंड इमेज दिख रही है ये वाली जो पूरा ऐसे पूरे पटाखे फूट रहे हैं, तो ये जो है आपकी ये रही। तो आप इसको कोई दूसरी चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप कोई भी GIF इमेज या स्टिल अगर करना चाहते हैं चेंजेस कर सकते हैं। दिवाली की शुभकामनाएं ये सब ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है, इसमें आपको चेंजेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या किसी और लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं जो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ये आपका हो गया। इसके बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है, नीचे स्क्रोल करना है, तो यहाँ पे जो है ये एक स्नोफॉल का, इसमें आपको कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए। अब यहाँ पे लिखा हो विशिंग यू शुभ दीपावली की शुभकामनाएं, तो आप इसको चेंज करना चाहते हैं आप चेंजेस कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इमेजेस यहाँ पे डली हुई हैं, तो ये इमेजेस आपको मिल जाएंगे, आप इनको अपनी जगह पे चेंज करना चाहते हैं तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिखे गए टेक्स्ट है, आप देखते हैं यहाँ पे सारे टेक्स्ट लिखे गए हैं, इनको भी अपने अकॉर्डिंग जो है आप चेंजेस करना चाहते हैं, जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो है एडसेंस कोड, तो एडसेंस कोड अगर आप गूगल एडवर्ड के गूगल एडसेंस के कुछ कोड डालना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं। या फिर आप जो है अपने एफिलिएट अकाउंट, यानी कि जैसे अमेजोन का है तो मैं अमेजोन पे जाता हूं, अब से फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई इमेज यहां से ये आ गया अच्छा लगा, मैं यहां से कोई एक इमेज ले लेता हूं, कोई भी एक इमेज जो भी आपको चाहिए जैसी चाहिए जैसे ये चाहिए, तो ऐसे में आप कोई भी इमेज पर्टिकुलर डाउनलोड कर सकते हैं और उस इमेज को ब्लॉगस्पॉट पे आपको अपलोड करना है, अपलोड करके उसको लिंक कर देंगे और फाइनली उसके बाद उसका जो लिंक है यहाँ पे ऊपर देखो यहाँ पे लिंक आता है, ये टेक्स्ट लिंक आता है, ये टेक्स्ट लिंक चाहिए तो आप टेक्स्ट लिंक ले सकते हो, इमेज लिंक के साथ में चाहिए तो आप इमेज लिंक के साथ में ये जो कोड है आप यहां से कॉपी करें और कॉपी करके यहां से आप डायरेक्टली इसको इस तरह से पेस्ट कर दें, तो ये आपका पूरा इमेज के साथ में जो है यहाँ पे पूरा लिस्ट हो जाएगा, तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस जो आपकी डल के रखी हैं वो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट, तो डेट ऐसे फॉर एग्जाम्पल 14th November जो है वो 2020, तो हमने यहाँ पे चेंजेस कर दी, तो अभी आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं अभी देख लूंगा जैसे 14 की जगह से फॉर एग्जाम्पल 15 है तो आपको यहाँ पे 15 कर देना होगा, वो अभी डेट चेक कर लेंगे, आई बिलीव कि 14 को होगा, तो ये आपने चेंजेस कर देने हैं, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं करने यहाँ पे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद जो है आप देखते हैं यहाँ पे दिवाली की, ये आपका व्हाट्सएप के ऊपर जाएगा, जब भी आप व्हाट्सएप पे शेयर करोगे तो व्हाट्सएप पे शेयर करने के बाद ये जो लिखा हुआ है ये ऑटोमेटिकली उसके साथ में जाएगा, ठीक है ना। और जाने के साथ में ये जो लिंक दिख रहा है आपको ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ये जो लिंक है इसकी जगह पे आपको जो आपका ब्लॉगस्पॉट का जो लिंक बनेगा वो लिंक आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा, एक तो यहाँ पे करना होगा और दूसरा जो है वो आपको यहीं पे दूसरे वाले में भी अपडेट करना होगा, राइट। अभी मैं आपको बताता हूँ फेसबुक वाले में भी वही चीज अपडेट करनी पड़ेगी, ये रही, तो यहां पर आपको ये दूसरी चीज जगह है फेसबुक के लिए, आप जब शेयर करोगे तो ताकि वो आपके ही ब्लॉगस्पॉट पे आए, तो यहां पर आपको चेंजेस करनी है, और यहां पे आपका व्हाट्सएप पे करते हो तो व्हाट्सएप वाले पे जाने चाहिए, बस ये दो जगह पे आपको अपडेट करना है, बाकी कुछ नहीं। ये स्क्रिप्ट आपकी पूरी की पूरी रेडी है, इसको सेव कर लेना है, सेव करने के बाद आपको ब्लॉगस्पॉट पे जाना है, राइट। हम यहां पे लिख देते हैं ब्लॉगर, राइट, blogger.com पे चलते हैं और blogger.com पे जाने के बाद जो है हम इसको क्रिएट करते हैं, तो लेट्स से मैं यहां पर जो है कोई एक नया यहां पे क्रिएट करना है मुझे, तो यहाँ पे न्यू पोस्ट नहीं, मुझे एक नया ब्लॉग क्रिएट करना है तो मैं न्यू ब्लॉग पे क्रिएट करूंगा। यहाँ पे टाइटल जो है वो मैं दे देता हूँ यहाँ पे से फॉर एग्जांपल दिवाली या फिर हैप्पी दिवाली कर देते हैं, हैप्पी दिवाली विशिंग स्क्रिप्ट, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया और इसको जो है हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपका एड्रेस क्या होना चाहिए, तो से फॉर एग्जाम्पल हैप्पी डैश दिवाली डैश दिवाली डैश 2020, तो यहाँ पे जो है ये बीच में ये अवेलेबल नहीं है, तो एक बार चेंजेस करके देखते हैं, अंडरस्कोर लगा के देखते हैं, तो ये भी अवेलेबल नहीं है, राइट।
तो ये आपका इनवैलिड आ रहा है, तो इसको भी हटा देते हैं हम, यहां से भी इसको हटा देते हैं। तो 2020 हो गया, ये हो गया। चलो इसके आगे जो है मैं क्या करता हूँ कि मेरा खुद का नाम ऐड कर देता हूँ, मंजीत। तो ये मैंने ऐड कर दिया, तो यू कैन सी यहाँ पे ये जो है अभी अवेलेबल हो गया। तो यहाँ पे दिस एड्रेस इज दी अवेलेबल, तो ये आपका अवेलेबल हो गया। तो ऐसे जो भी आपको एड्रेस चाहिए वो आप लगा सकते हैं। अब इसको जो है मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, तो ये मैंने सेव कर दिया ब्लॉग स्पॉट को। तो ये आपका पूरा रेडी हो गया। अभी अगर हम यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे जाएंगे तो यू कैन सी ये कुछ हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो हमारी स्क्रिप्ट दिखनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, अपनी जो स्क्रिप्ट है इसको पूरा कंट्रोल ए करना है और इसको कंट्रोल सी कर लेना है, यानी कि कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद वापस इसका ऊपर जो है आपका थीम होगा, ये रहा थीम, थीम पे आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पे थीम पे आने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर कस्टमाइज का ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और एडिट एचटीएमएल करते हैं, तो एचटीएमएल करने के बाद यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कोड इस तरह के दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इन सबको कंट्रोल ए करना है और इसको डिलीट कर देना, और कंट्रोल वी करके अगर हम यहाँ पे सेव करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे हमें कई सारे एरर्स देखने को मिलेंगे। अब ये एरर्स इसलिए मिले क्योंकि ये जो फॉर्मेट है वो एक्चुअली इसको एक्सएमएल की फॉर्मेट है और ये इसकी रिप्रेजेंट नहीं करती है, इसको सपोर्ट नहीं करती है। तो इस तरह का एरर आप लोगों को भी आएगा। सो आपको करना क्या है, यहां पे आपको बैक पे क्लिक करना है, ठीक है। यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे क्लिक करना है और स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम पे क्लिक करना है, स्विच विदाउट बैकअप पे क्लिक करने। अब आप देखते हैं यहां पे जो है चेंजेस हो चुके हैं। अगर आप एडिट पे क्लिक करते हैं और यहां पर कंट्रोल ए कंट्रोल वी करके अपना जो कोड है वो अपडेट कर देते हैं, ये आप देखते हैं अपडेट हो चुके हैं हमारे कोड। अब अगर आप सेव करते हैं तो ये आपके सेव सक्सेसफुली चेंजेस हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे जाके देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो थीम है, जो हमारी स्क्रिप्ट है वो अपडेट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंजीत सिंह और यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है, वो प्रॉब्लम क्या है, और अच्छा यहाँ पे आप देखते हैं ये जो अमेजोन से हमने जो लिंक उठाया था तो उसका लिंक यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे Amazon की उसी लिंक पे पहुंच गए, तो जिससे आपकी रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो ऐसे आपके पास दो तीन जिस भी लोकेशन पे आप इस तरह का लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। बट यू कैन सी यहाँ पे ऊपर साइड पे जो है हमारे पास एक ब्लू बार दिख रहा है जो कि नहीं दिखना चाहिए। इसको करने के लिए, बंद करने के लिए आपको इस पे वापस आपके इसी थीम पे आना है और यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर यहाँ पे ये जो एरो डाउन एरो टाइप का बना है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे चेंज नेव बार पे क्लिक करना है। जैसे चेंज नेव बार पे क्लिक करेंगे यू कैन सी यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है, तो ब्लू की जगह पे हम इसको जो है ऑफ कर देंगे। ऑफ करके अगर हम इसको सेव कर देते हैं, ये आपका सेव हो चुका है। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे वापस से मैं अपना नाम डाल देता हूं मंजीत सिंह और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ब्लू बार हमें नहीं देखने को मिल रहा। अब ये हमारा लिंक जो है बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। बस आपको जो चेंजेस करने थे, वो जो लिंक मैंने दो जगह पे चेंज करने बोले थे खुद का ब्लॉग, तो आपको ये जो ब्लॉग जनरेट हुआ है ये वाला यूआरएल आपको कॉपी करना है और कॉपी करके एडिट एज एचटीएमएल में जाना है और सबसे नीचे जाके स्क्रोल डाउन करना है। और स्क्रोल डाउन के ऊपर एक तो ये हैंड का आइकन बना है, यहां पर आपको इसको पेस्ट कर देना है और दूसरा यहाँ पे जो फेसबुक के ऊपर जो है इसके सामने यहाँ पे ये लिखा हुआ यू के बाद यू इक्वल्स टू के बाद जो यहाँ पे यूआरएल डला है इसको आपको चेंजेस कर देना है। बस इतना चेंजेस करने के बाद जो है आपको इसको सेव कर देना है, ये आपके सेव चेंजेस हो गए। अब अगर आप किसी को भी भेजोगे तो ये आपके यूआरएल के ऊपर ही आएंगे, किसी दूसरे के यूआरएल के ऊपर नहीं जाएंगे। तो मैं यहाँ पे मंजीत सिंह ले देता हूं और इसको करते हैं, तो यू कैन सी यहाँ पे अपडेट हो गया है। अब अगर मैं इसको फेसबुक के ऊपर शेयर करना चाहता हूं तो मैं फेसबुक के ऊपर भी शेयर कर सकता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह दिवाली का पूरा यहाँ पे आ चुका है और हैप्पी दिवाली वगैरह और ये सारी चीजें जो हमारी सेट करी हैं वो यहाँ पे अपडेट हो चुकी हैं और इसको आपको शेयर करना है जो भी, अगर आप यहाँ पे हैप्पी दिवाली विश करना चाहते हैं हैप्पी दिवाली। बट अभी इट्स टू अर्ली टू विश, सो यहाँ पे मैं इसको पोस्ट नहीं करूंगा, बट आपको दिखा दिया कि ये फेसबुक के ऊपर में भी काम करता है
और इसी तरह से अभी क्योंकि कंप्यूटर से व्हाट्सएप तो नहीं चलता है, तो अगर आप यहां से व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप ओपन करने के लिए व्हाट्सएप पे जो है आपका ये लिंक जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करेगा। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को जो है ये विशिंग स्क्रिप्ट की जो पूरी डिटेल है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डिटेल जो है समझ में नहीं आ रही, कोई भी डाउट है, कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको हेल्प चाहिए किसी भी तरह की, तो जो हमारा ब्लॉग जहां से आपने ये स्क्रिप्ट डाउनलोड करी है वहीं पे कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और विद इन जो है 24 आवर्स में हम आपकी सारी जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।